मथुरा के लाल योगेश चतुर्वेदी द्वारा मथुरा नगरी के खानपान को लेकर बनाया गया गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये गाना वायरल होने के बाद लोगों में इसकी खासी चर्चा है। अपनी मथुरा को ना भूलियो ओ मथुरा के लल्ला, अपनी मथुरा को ना भूलियो ओ मथुरा के लल्ला, मथुरा जैसे कहूँ ना मिलंगे, मथुरा जैसे कहूँ ना मिलंगे टिकिया और भल्ला, अपनी मथुरा को ना भूलियो ओ मथुरा के लल्ला। योगेश चतुर्वेदी बल्लू द्वारा एक गाना मथुरा को लेकर सोशल मीडिया पर लॉन्च हुआ, जो कि लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और सब लोगों में इसकी चर्चा हो रही है। तो जानते हैं आखिर ये गाना किसका है और किसने गाया है। ये गाना मथुरा के योगेश चतुर्वेदी बल्लू ने बनाया है, जो कि मुंबई में फिल्मी दुनिया में अपनी कला से जाने जाते हैं। ये पहले भी कई गाने बना चुके हैं। ये कपिल शर्मा के शो में भी अपना गाना गा चुके हैं। पहले भी इनकी कोई एल्बम आ चुकी है। ऐसे ही पहले इन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन पर अपने समाज पर गाने बनाए थे, जो कि इनके यूट्यूब चैनल प्रीतम फिल्म पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यमुना में नहियो विश्राम घाट पे आए के, सबसे पहले यमुना में नहियो विश्राम घाट पे आए के, फिर जलेबी कचौड़ी खाइयो, फिर जलेबी कचौड़ी खाइयो छत्ता बाजार में जाए के, या यमुना में नहाए तो छूटे जन्म मरण को पल्ला, अपनी मथुरा को ना भूलियो ओ मथुरा के लल्ला। काफी बॉलीवुड के स्टारों के साथ में इनके फोटो हैं, जिनके साथ उन्होंने काम किया है और इनकी शॉर्ट मूवी भी है। सफाई अभियान पर भी एक मूवी बनाई थी सोचो भारत, जो कि भारत सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रोत्साहन की गई थी, और एक डरावनी मूवी है। ये सब आप लोग प्रीतम फिल्म यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अभी ये मथुरा में हैं, तो उन्होंने मथुरा के ऊपर खान पान को लेकर एक ऐसा गाना बनाया अपनी मथुरा, जिसे शेयर करने की लोगों में होड़ लगी हुई है। आप सबको मिलता है आदमी, मुझे कोशिश करता है कि कुछ एंटरटेनमेंट होगा, कुछ फनी होगा, कुछ ना कुछ उम्मीद यही करता है मेरे नाम को सुन करके। तो इस बार भी मैंने एक ऐसा कुछ कोशिश किया है, अपनी मथुरा को मत भूलियो ओ मथुरा के लल्ला, और मथुरा जैसे कहूँ ना मिलेंगे टिकिया और भल्ला, टिकिया भल्ला ऐसा नहीं है कि केवल टिकिया भल्ला, यहाँ पर और भी चीज़ है, समोसा इडली डोसा सब चीज़ है मथुरा में, लेकिन टिकिया भल्ला मैंने खाली स्पेसिफाई किया है टाइटल मिलाने के लिए। बाकी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, नान है अपना, पाव भाजी है, और भी जो चीज़ें हैं भांग ठंडाई है, हर चीज़ कल्चर इसमें देखने को मिलेगा। आज इसकी लॉन्चिंग मैंने श्री महेश पाठक जी के द्वारा, जो मेरे आइडल है इनके द्वारा कराई, किरदार निभाया गया है, किस रूप में निभाया गया है और किन किन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है आपके द्वारा? हाँ, क्योंकि वो मेरे आइडल थे श्री राज कपूर जी, उनको उनका एक गाना है किसी की मुस्कुराहटों पे हो मिसार, उसको रेफरेंस लेकर के मैंने उस लुक में इस गाने को दर्शाने की कोशिश की है। थोड़ा कॉमेडी भी लगे लोगों को, अच्छा भी लगे, तो इसमें आपको देख के फनी भी लगेगा और अच्छा लगेगा। उसी की लॉन्चिंग आप सबका, मीडिया का, मथुरा की जनता का, मथुरा के लोगों का प्यार मिलता रहे, तो पार्ट टू भी करेंगे, आगे बहुत कुछ करेंगे। तो बस यही आपसे, सभी से यही उम्मीद है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो जिससे कि मैं अपना आगे कुछ कर सकूं। और ये केवल मथुरा के लिए नहीं है, मथुरा की हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति से यही कहूँगा इसको आप हर जगह पहुँचाएँ, क्योंकि ये मथुरा के लिए नहीं है, आपको दिखाएं कि हमारी मथुरा कैसी है। क्योंकि मथुरा को आदमी अभी कृष्ण भगवान के नाम से जानता है, हजारों लाखों गाने भजन मिल जाएंगे, लेकिन मथुरा का ऐसा जो मैंने नया रूप गाने में दिया है, ऐसा आपको एक भी गाना नहीं मिलेगा जिसका नाम है अपनी मथुरा, जो कि मेरा चैनल है प्रीतम फिल्म्स यूट्यूब पर, आप उसको आप सब्सक्राइब करके उसको सर्च करके देख सकते हैं, या अपनी मथुरा डालोगे तो भी आपको ये देखने को मिलेगा।